नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बिहार बेरोजगार युवा जो इंतजार कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, उनके लिए अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है। जहां बिहार पुलिस में बंपर बहाली निकाली जाएगी, तो वहीं 62,000 पदों पे जो है बहाली होनी है, और जिसको लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें आपको कि बिहार पुलिस में जाने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अप्लाई कर सकेंगे, तो वहीं जिसको लेकर कई बातें सामने निकल के आई है, वहीं 62,000 पदों पर बिहार पुलिस में बहाली होनी है। बता दें आपको कि वर्दी का शौक रखने वाली युवाओं के लिए जल्द सुनहरा अवसर मिलना है। वहीं बिहार पुलिस में 1-2 हजार नहीं, लगभग 62,000 पदों पर बहाली होगी। 1 से 2 माह में इसकी शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल सिपाही के करीब 6500 रिक्त पदों से बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो वही बता दें आपको कि बाकी के 55,000 से अधिक पदों पर यह जो चरण वार की जाएगी, तो वहीं जल्द ही नए पदों के सूचन का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। बता दें आपको कि सिपाही की बहाली की अधियाचना जल्द शुरू होगी। तो वहीं पुलिस मुख्यालय ने पिछले दिनों जिला और इकाइयों से जो है सिपाहियों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी, जिसके बाद यह आंकड़ा मुख्यालय को प्राप्त हो चुका है। बिहार पुलिस में वर्तमान में स्वीकृति सिपाहियों के पद में जो है करीब 6500 पद रिक्त है। तो वहीं पुलिस मुख्यालय रोस्टर क्लियरेंस है, उसमें देखा जाए तो जुट गया है। अब सरों के मुताबिक दिसंबर के आखिर या जनवरी में हर हाल में सिपाही के इन पदों पर बहाली की जाएगी। तो वहीं अधियाचना के देखते हुए केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती को भेज दिया जाएगा। तो वहीं 74,000 नए पदों का सृजन होगा। बिहार पुलिस में अभी पुलिस के विभिन्न श्रेणी में 1,52,000 करीब स्वीकृति बल है। तो वहीं देखा जाए तो जल्द ही नए पदों का सृजन होगा। अधिकारियों के मुताबिक गृह विभाग में दरोगा, SI, हवलदार, सिपाही तमाम पदों पर बहाली होनी है। तो बता दें आपको कि दरोगा का जो है 23,000 पद है, वहीं सृजन होने वाला पद है ये। वहीं SI का 1,800 पद है, हवलदार का 4,000 पद है, सिपाही का 35,000 पद है, तो वहीं चालक सिपाही का 9,000 पद है, जिसको लेकर बिहार पुलिस बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए बंपर बहाली करने वाली है। तो वहीं बिहार पुलिस ने जो है आने वाले दिनों में बहाली की प्रक्रिया शुरू कर देगी। तो वहीं जिसको बता दें आपको कि लेकर तमाम बातें सामने निकल के आ रही है, आने वाले दिनों में वित्त विभाग में जो है आंकड़ा भेजा जाएगा, और जिसके बाद बहाली होनी है। करीब 62,000 पदों पर बहाली होनी है, और जिसको लेकर कई अधिकारी बैठक कर चुके हैं, और रिक्त पद भी मंगवा लिया गया है। जो सरकारी नौकरी करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी है, उनके लिए अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है। जहां 62,000 पदों पर बंपर बहाली होनी है, दिसंबर या जनवरी में विज्ञापन निकल सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहें। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर, अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और तमाम अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर थी। बहुत बहुत धन्यवाद।